ये हैं ज़ैनब अहमद, पाकिस्तान की बेटी जिनको अमरीकी नेशनैलिटी हासिल है। 38 साल की उम्र है और पेशे के लिहाज से वकील हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जब मशहूर अमरीकी प्रोसिक्यूटर जनरल रॉबर्ट मिलर, जिनके पास ख़ुद वकीलों की एक पूरी आर्मी है, दिन पहले मुकदमा शुरू किया तो इसको अपना आप अकेला लगा। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ट्रंप पर इल्ज़ामात साबित करने के लिए मुझे इस दुनिया का लायक तरीन दिमाग चाहिए। ट्रंप को मैं अकेले अदालत में ज़्यादा वक्त खड़ा रख सकता हूँ, लेकिन इसको जेल नहीं भेज सकता। सहाफ़ी ने पूछा कि आप तो दुनिया के जाने माने और नहायत काबिल वकील हैं, क्या कोई आपसे भी ज़्यादा वकालत में होशियारी और तजर्बा रखता है? रॉबर्ट ने कहा, हाँ, एक पाकिस्तानी लड़की है जो अपनी ज़िंदगी का कोई केस नहीं हारी। मैं उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं 68 साल का हो चुका हूँ और ज़िंदगी शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं मरने से पहले ज़ैनब अहमद को ट्रंप पर मुसल्लत करूँगा ताकि ट्रंप को इल्म हो जाए कि रॉबर्ट ने इसके साथ क्या किया है। ज़ैनब अहमद से जब इस बारे में पूछा गया तो ज़ैनब ने तारीखी जुमला बोला। वो कहती हैं, जब मैंने केस लिया तो ट्रंप को भी देख लूँगी। मैंने उनका नाम सुना है, शायद वो US के सदर हैं। ज़ैनब अहमद आज तक वकालत में कोई केस नहीं हारी। उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान, तुर्की, मलाइशिया, बरतानिया, सऊदी अरब, हॉलैंड और मजीद कई ममालिक में अलग अलग नौयत के केस लड़े हैं और किसी भी मुल्क में एक भी केस नहीं हारी। ये है ओरिजिनल पाकिस्तान की बेटी।